2022 की शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल में कई नए और बड़े शोज भी दस्तक देने वाले हैं। सिर्फ शोज ही नहीं बल्कि नया साल इसलिए भी खास है क्योंकि टीवी के कई जाने माने और बड़े स्टार्स कमबैक जो कर रहे हैं, जिनका इंतजार जनता पिछले लंबे वक्त से कर रही थी। कौन से हैं वो स्टार्स आपको भी बताते हैं। मौनी रॉय। लंबे वक्त से मौनी टीवी की दुनिया से दूर है। नागिन 4 में कैमियो के बाद मौनी को टीवी पर किसी भी शो में नहीं देखा गया था और वो पूरी तरह से बॉलीवुड फिल्मों में ही फोकस कर रही थी। वहीं अब कहा जा रहा है कि इस साल मौनी नागिन 6 में कैमियो रोल के जरिए अपने फैंस को बड़ा तोहफा दे सकती हैं। जी हां, कहा जा रहा है कि मौनी नागिन 6 के पहले हफ्ते में नजर आएंगी, यानी कि शुरुआत के 2 एपिसोड में। वेल, अगर ऐसा होता है तो मौनी के फैंस को बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। महक चहल। महक चहल को टीवी पर आखिरी बार साल 2016 में आई शो कवच में देखा गया था। इतने सालों में महक टीवी पर दिखी लेकिन सिर्फ रियलिटी शो में, वो भी कुछ हफ्तों के एपिसोड तक। लेकिन अब महक नागिन 6 का हिस्सा बनने को लेकर पिछले काफी वक्त से लाइमलाइट में है। जब से एकता ने एम नाम का हिंट दिया है तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि नागिन 6 के जरिए महक भी 2022 में टीवी पर कमबैक करेंगी। विधि पांडे। विधि भी इस साल बड़े शो में लीड रोल निभाने वाली हैं। खबरें हैं कि निधि शशि सुमित के प्रोडक्शन में बनने वाले नए फैमिली ड्रामा में नजर आएंगी, जिसमें उनके अपोजिट विजयंत कुमारिया नजर आएंगे। ई टाइम्स को शो से जुड़े एक सोर्स ने यह भी बताया है कि निधि का इस शो में रोल काफी खास होगा और इसके लिए वो काफी मेहनत भी कर रही हैं। कहा जा रहा है कि विधि का ये नया शो जनवरी के पहले हफ्ते में शूट होगा। संगीता घोष। जानी मानी टीवी एक्ट्रेस संगीता घोष की वापसी की चर्चाएं भी पिछले काफी वक्त से जोरों पर है। कहा जा रहा है कि संगीता सरगुन मेहता और रवि दुबे के नए शो में अहम रोल निभाती नजर आ सकती हैं, जो जल्द ही कलर्स टीवी पर ऑन एयर किया जाएगा। हालांकि अभी संगीता को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो सामने नहीं आई, लेकिन अगर संगीता वाकई टीवी पर वापसी करती है तो ये उनके फैंस के लिए बड़ा तोहफा होने वाला है। जैन इमाम। टीवी के हैंडसम हंग जैन 2019 के बाद अब इस साल अपने नए शो फना से टीवी पर कमबैक कर रहे हैं। जैन को इस शो में देखने के लिए फैंस इसलिए भी एक्साइटेड हैं क्योंकि वो पहली बार नेगेटिव शेड में नजर आएंगे। इस शो में जैन एक सरफिरे आशिक का किरदार निभा रहे हैं। जैन को आखिरी बार साल 2019 में आए शो एक भ्रम सरगुण संपन्न में देखा गया था। वेल, तो ये हैं वो टीवी स्टार्स जो इस साल कर रहे हैं धमाकेदार वापसी।